एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं मोदी नगर जिला गाजियाबाद के अंदर और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर काम कर रही है और हमारे बीच में है चौधरी कृष्णपाल जी। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि पार्टी में इनके पास क्या क्या पद हैं और पार्टी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर पार्टी काम कर रही है। चौधरी कृष्णपाल जी, आपका एसएम न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। जो पार्टियाँ गरीब लोगों के लिए, दलित के लिए, मुस्लिम के लिए, पिछड़े के लिए योजना लेकर के आई थी, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, उन पार्टियों ने इनका काम कोई नहीं किया है। जो काम छूट गए हैं, जो बाबा साहब का मिशन अधूरा रह गया, उसको कांशीराम जी लेकर के चले थे, आज वो बहुत पीछे छूट गया है। उन सभी कामों को हम अपने एजेंडे में लेकर चलें और निश्चित अब की बार जो उत्तर प्रदेश में है, मैं देख रहा हूँ, बाकी तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री भानु प्रताप सिंह जी, प्रयास करेंगे कि पूरे देश से कहीं ना कहीं से एमपी हमारे जीत गए, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश से हम 10 एमपी जिताने का प्रयास करेंगे। चौधरी कृष्णपाल जी, ऐसा देखा गया है कि जब वो पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने जो वायदे हैं वो वायदे भूल जाती है, तो ये राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी भी क्या अपने वायदे भूल जाएगी? अधिकतर पार्टी, सही बात कही आपने कि अधिकतर पार्टियां वादे भूल जाती है, लेकिन वादे क्यों भूलते हैं, वो नेता नहीं होते। आज फैशन चल रहा है कि पैसे दो टिकट लो, उसमें कुछ भूमाफिया हैं, कुछ बिल्डर हैं, कोई नंबर दोगा कहीं से पैसा ले गया, तो वो नेता नहीं होते। टिकट के टाइम पर आया, टिकट खरीदा और जनता के बीच में पैसे के बल पर चुनाव लड़के पहुंच गए। उनके शरीर इतने आराम तलब हो जाते कि वो पब्लिक के बीच में काम नहीं करना चाहते। जो पैसा लगाते करोड़ों रुपया उसको और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगली बार भी टिकट लेकर चुनाव लड़ना होता। चौधरी कृष्णपाल जी, इस समय सभी पार्टियां बाबा साहब को अपने कंधे पर बिठाकर इधर उधर घूम रही हैं और बाबा साहब के नाम पर दलित समाज से वोट मांगती हैं, तो आपकी जो पार्टी है उसके क्या मुद्दे होंगे वोट मांगने के? हमारे मुद्दे ये होंगे, बाबा साहब की बात आपने करी, बाबा साहब का यह देश है, सच्ची बात तो ये है, ये जब अंग्रेजों का गुलाम था तो बाबा साहब के संविधान के तहत ये आज़ाद हुआ, तो बाबा साहब के बिना कोई भी पार्टी नहीं चल सकती। और सभी पार्टियां क्या सोचते हैं कि ये गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, बहक जाएंगे, उनको पौवे के लालच में, दारू के में, पैसे के में, गाड़ी में, झूठे आश्वासनों से जोड़ते हैं और उनका वोट ले लेते हैं, फिर उनका कोई कार्य नहीं करते। जब वो कार्य करवाने के लिए जाते तो कहते हैं कि भाई आपका हमने जो खर्चा था वो दे दिया, आपने हमें फ्री में वोट नहीं दिया। तो इसलिए बाबा साहब का फोटो लगा करके वो दिखाते कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, लेकिन बाबा साहब को केवल चुनाव में यूज करते हैं, उसके बाद वो बाबा साहब को भूल जाते हैं। सर, आपके गाजियाबाद क्षेत्र हो या सहारनपुर क्षेत्र हो या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मच रही है, जहाँ देखो वहाँ मुसलमानों पर आक्रमण हो रहे हैं, जहाँ देखो दलितों पर ये हमले हो रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू और मुस्लिम लड़ा करके सत्ता तक पहुँची है और वो चाहती है कि मुस्लिम अलग हो, दलित अलग हो, बैकवर्ड अलग हो, स्वर्ण अलग हो, ये जितनी भी संख्या में अलग अलग बिखरेंगे तुम्हें इसका लाभ होगा, और लड़ा करके फिर वो पार्टी में दोबारा से जीतना चाहते हैं, ये इसका मेन उद्देश्य है। और दलितों को जो है वो एक पार्टी के पीछे लगी हुई थी बंधुआ, लेकिन वो पार्टी जीत तक नहीं पहुँची और आज उस पार्टी का ये हासिल है कि वो पैसे के बल पर टिकट देती हैं। दलित का उस पार्टी से मोह भंग हो गया और दलित चाह रहा कि कोई और पार्टी आए दलितों की, ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं। बहुत लंबे समय तक ये कांग्रेस के साथ रही तो कांग्रेस की सत्ता रही, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण ये अधिकतर कांग्रेस के साथ रहता था, आज ये तीनों वर्ग अलग अलग बट गए, इसीलिए कांग्रेस धराशायी हुई और यही आज इस पार्टी का हाल हुआ जो दलितों की रहनुमा बनती थी। दलितों का कोई कार्य नहीं किया उन्होंने, केवल टिकट बेचे हैं, दलितों को बेचा है, बदनाम किया है, तो दलित बहुत परेशान है, वो चाहता हमारा कोई भाई आए। दलित की सबसे पहले चॉइस होती है कि अपने समाज के आदमी को, अपने भाई को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे, यदि कोई नहीं है तो मजबूर में किसी और को पसंद करते हैं। चौधरी साहब, देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी है या अन्य कोई पार्टी है, इनको सबने देखा है, सभी वोटरों ने देखा है, और जो इनके जो एक कहा जाता है कि जो इनके ठेकेदार हैं, या मैं सीधा सीधा कहता हूँ जो दलाल हैं, वो इनको कहीं ना कहीं लाके इन्हें बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का जो वोटर है वो एक कोई नया विकल्प देख रहा है, तो जो आज जो नया विकल्प है, क्या उस विकल्प को आपकी पार्टी पूरा करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि
हम ठेकेदारों से नहीं मिल रहे, हम प्रत्येक जो लास्ट का आदमी है गांव में, जो सबसे छोटी कैटेगरी का जिसके पास कोई नहीं जाता, अधिकतर होता क्या है, जो गांव के मेन मेन लोग होते हैं वो ही सभी पार्टियों के ठेकेदार हो जाते हैं। भाई इस गली में जाने की जरूरत नहीं, जैसे मैं कहूँगा वैसे हो जाएगी। लेकिन आज ये प्रथा नहीं है, वो उनका खर्चा तो लिया था कि भाई इस मोहल्ले का जो खर्चा है वो मुझे दे जा और मैं उसको कह दूँगा, लेकिन वो वोट अपनी इच्छा से गिरना चाहता है और फिर उसको ये पता नहीं होता कि कौन सी पार्टी जीत रही है कौन सी हार रही है। 50% वोट दूसरों के कहे से ही गिरा जाता है। उन लोगों को अपने पेट का पालन करते करते, अपने बच्चों का पालन करते हुए, अपने परिवार को चलाते चलाते इतना समय नहीं है कि वो ये सोच ले कि अच्छा क्या है बुरा क्या है कौन जीत रहा कौन हार रहा। वो पड़ोसी से पूछने का प्रयास करता कि भाई कौन सी पार्टी आगे चल रही है, तो 50-40% वोट तो हवा के साथ चला जाता है, जैसे कि अभी लोकसभा में भी हुआ है। और मोदी जी के झूठे आश्वासनों से सारी जनता भ्रमित होकर के उसको वोट दे गई, लेकिन कोई भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया और काट की बार बार नहीं चढ़ा करती, उन्होंने कई बार झूठ बोला, कार्य कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो है। और अब भी वो यही कर रही है, जैसे ही चुनाव आएगा फिर कभी मंदिर के नाम पे कभी मुस्लिम के नाम पे वो लड़ाएगी। मंदिर का नाम लेकर के कई बार सत्ता में आ चुके हैं, पहले अटल बिहारी जी भी आए, लेकिन वे कभी मंदिर बनाने के नाम की योजना है और ना ही बनाएंगे। आरएसएस के नेता ने कहा भी है कि हमारे तो एजेंडे भी नहीं है, तो वो मंदिर कभी नहीं बनाएगा। यदि मंदिर बनाना है तो बनाइए, आज तो सरकार है उनकी केंद्र में भी राज्य में भी, और मुस्लिम भी कह रहे हैं भैया बनाओ मंदिर हम भी चंदा देंगे, कौन मना करता। लेकिन उन्हें पता है कि मंदिर बन गया तो उसके बाद तुम सत्ता में कभी नहीं आओगे। चौधरी साहब, चौधरी कृष्णपाल जी, जैसे कि अभी मशीनों पर आरोप लगा कि मशीन गड़बड़ करती हैं, तो आप जब चुनाव होंगे 2019 का तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराना पसंद करेंगे या मशीनों के द्वारा चुनाव होगा? देखिए जहाँ तक मेरा अपना आकलन है, मुझे बिल्कुल ये लगता कि मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं है। कोई कुछ भी कहे, यदि आज बहन जी ये कह दे कि मशीनों में गड़बड़ नहीं है, तो जो उसके पास वोटर है वो खिसक जाएगा। वही अखिलेश की स्थिति है, वो कहे कि मशीनों में गड़बड़ है नहीं है तो उसका वोटर खिसक जाएगा, उन्हें डर है इस चीज़ का। अब एक बात बताइए, ब्राह्मण भी ठाकुर भी बनिया भी नाई भी सैन भी माली भी कोरी भी कोली भी धोबी भी झुलाया भी, जब सभी लोग बीजेपी को वोट गेर खा रहे हैं तो निकलेगा कहाँ से और लोगों का। सबने वोट दिया लोकसभा में, तब जाके 41% वोट बीजेपी को मिला, 59 तो तब भी अलग गया। अभी 8 महीने पहले जो चुनाव हुआ है विधानसभा का यूपी में, 2% घटकर केवल उसको 39% वोट मिला बीजेपी को। अभी 2 महीने पहले यहाँ नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी को 22.5% केवल वोट मिला। और यदि मशीनों में गड़बड़ होता तो बीजेपी कौन रोक रहा था, नगर पालिकाओं में नगर पंचायतों में भी वो मशीन से कराती, लेकिन उन्होंने केवल 16 नगर निगमों में मशीन से वोटिंग कराया और वहाँ 2 BSP के 14 भाजपा के जीते। वो जीते क्यों बीजेपी के, ये जो नगर निगम है ये बड़े शहर हैं, जो गांव का व्यापारी वर्ग था लाला वर्ग था या जैसे स्वर्ण लोग हैं या बुद्धिजीवी लोग बिजनेस के लिए शहर में आए, उन्होंने बीजेपी को पसंद किया तो इसलिए वो 16 सीटें जीती। और नगर पालिकाएँ जो हैं वो अर्ध शहर हैं, वो गांव से भी टच है और शहर से भी टच है। 198 नगर पालिका हैं, उनमें से कितनी जीती है, केवल 70, 128 तो वहाँ भी हारी है बीजेपी, तो कहाँ बीजेपी रहेगी। इसी तरीके से नगर पंचायतें 438 है उत्तर प्रदेश में, 438 में से केवल 100 जीतती है, 338 तो अब भी हारी है। तो बीजेपी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और मशीनों में मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है, गिरता जा रहा है। बीजेपी का ग्राफ डेली गिरता जा रहा है और बीजेपी आने वाले चुनाव में धराशायी हो जाएगी। 22.5% में उसको सीट नहीं मिलेंगी, जितनी वोटें उनको अब नगर पालिका में नगर पंचायत में मिली उसके हिसाब से केवल उत्तर प्रदेश में 114 MLA जीत सकते हैं। चौधरी प्रिंसिपाल जी, आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि यदि आपको वास्तव में पार्टी अच्छी लगे तो हमारे साथ जुड़िए, हमें ठोक बजा के देखिए, धोखे में मत वोट देना। हम किसी को झूठा आश्वासन नहीं दे रहे, झूठ नहीं बोल रहे। बाजार में आदमी करवा लेने जाता केवल 2 रुपये का आता, उसे ठोक बजा के देखता। अब वो पार्टी से जुड़ना चाह रहा और पार्टी से जब जुड़ता है आदमी तो अपने परिवार से भी ज़्यादा प्यार करता पार्टी को। हमें सब तरीके से आजमा के देखिए, हम झूठे लोग हों मत जुड़ना, निकम्मे हों मत जुड़ना, क्योंकि हमारा कुछ तो इतिहास रहा होगा जब राजनीति करते हुए यहाँ तक आए। गलत लोगों को हम ना ही अपनी पार्टी में ले रहे हैं, ना ही गलत आदमी को टिकट देंगे। तो जनता से मेरा यही निवेदन, यदि हम वास्तव में अच्छे लगते हैं उन सभी पार्टियों से तो हमारा साथ दीजिए, और नहीं लगते तो फिर उन्हीं के साथ जाइए जिनके साथ पहले से रहे हैं।
धन्यवाद। आप थे चौधरी कृष्णपाल जी, इनकी खुली किताब है और राष्ट्रीय जनहित पार्टी की खुली किताब है। यदि आप ठोक बजाकर हमारे साथ जुड़ें